हमारे उनके पिताश्री हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो घर के घर में स्वागत कैसे स्वीकार करें, पर कभी कभी करना पड़ता है। प्रशांत मानेकर जी, मैं विजय बंसल जी से अनुरोध करता हूँ कि चिटनी सेंटर के प्रमुख और जेसीस में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वीआई और बहुत सारी संस्थाओं से उनका सरोकार रहा है, तो उनका स्वागत करने के लिए मंच पर आए। विलास करें वो बोल रहे थे औचित्य प्रतिपादन की दृष्टि से तो ठीक नहीं लगता, पर करना चाहिए ऐसा सदन की राय है। मैं आदरणीय डॉक्टर शोभा डागे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कनक शर्मा जी को के लेकर उनका स्वागत करें। भगवान जी परमार से अनुरोध है कि वे हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी का सम्मान करें। यानी कमल चाणक जी से अनुरोध है कि डॉक्टर मनमोहन डागा जी का सम्मान करें। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें मैं विजय शर्मा जी से उनका परिचय कराऊं। औपचारिकता के नाते बता रहा हूँ कि कई डिग्रियाँ वो बटोर चुके हैं और आगे चालू है उनका, है ना। बटोर चुके हैं ना, रस्ते पे नहीं पड़ी थी, उन्होंने वर्क किया उस पर। आयुर्वेद में वो अलग से काम कर रहे हैं, एमए हिंदी मराठी, उसके बाद में एमफिल पीएचडी और बहुत लंबी सूची है। तो वो औपचारिकता के नाते पर वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए और अच्छे बड़े पद पर, उसको पद तो हम लोग भी ले लेते हैं पर काम करने का जो सवाल आता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है और वो उसको देख रहे हैं। आप विदर्भ ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नागपुर के सेक्रेटरी हैं, आयुष मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन नागपुर के भी सेक्रेटरी हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है एबी के शिक्षण फंड ट्रस्ट पुणे, उसमें काफ़ी समय से वे जुड़े हुए हैं और ये बहुत सारे लोगों को पढ़ने रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी फंड उपलब्ध कराता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व है विजय शर्मा जी के पास है। तो कार्यक्रम के औचित्य को तो मैंने बताया और विषय लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा न रहते हुए, क्योंकि लोग सुनने आए और सुना मैं रहा हूँ अपना, तो कोई उचित नहीं वो जो कहते हैं सुन रहे हैं। आइए विजय शर्मा।
नमस्कार। दरअसल आनंद बाबू की महिमा से पार पाना बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत डिफिकल्ट है। ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज था जब उन्होंने ये कार्यक्रम तय किया, और सबसे बड़ी बात आज सबसे मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि मेरे सामने जो बैठे हैं विलास काड़े जी। आई हैव स्टार्टेड माय एंटायर स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में जब जेसीज में मैं आया, तो जो मैनेजमेंट स्किल्स का जो सिलसिला है, जो स्पीकिंग का सिलसिला है, उसमें उनकी उंगली पकड़ के चले। उनको सामने रख के बोलना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बट स्टिल कोशिश करता हूं। दरअसल ये जो विषय है, ये बहुत वर्षों से मेरे मस्तिष्क में था। फॉर्चुनेटली मुझे अवसर भी मिला कि मैं जेसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, जिसका ट्रेनिंग का, एचआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। और बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी संस्था है जो ऐसी फ्रेटर्निटी और ऐसी फैकल्टीज को अवेलेबल कराती थी और आज भी कराती है, जो अनमोल जिसको बोला जाए, मुफ्त में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। पैसों से यदि तोला जाए तो आज की डेट में जो एचआर के कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी यदि फीस देखी जाए तो देयर आर पीपल जो 10,000 रुपए एक घंटे का, 50,000 रुपए एक घंटे का, कई लोग 2,00,000 रुपए 3 दिन के कोर्स के ऐसे पैसे चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट से। हम लोगों ने सीखा भी और बाद में सिखाया भी एकदम निःशुल्क, जो कि हमारी भारतीय ऋषि चिंतन की जो व्यवस्था है कि हमने जो सीखा यदि आगे नहीं सिखाया तो मान के चलिए आपका सीखा हुआ व्यर्थ है। तो ये जो चिंतन है हमारा, जो सर्वहिताय सर्वहितकारी उपलब्ध है सब कुछ, इस चिंतन को हम लोगों ने अपने यूथ में, अपने स्टूडेंट टाइम पे देखा। और मैनेजमेंट का केवल एकेडमिक अध्ययन नहीं किया, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स होते थे वेरियस सोशल बोलिए या मैनेजमेंट स्किल्स के बोलिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी होता था उसका। जैसे मान लीजिए कोई अगर कहता भी किताब का सिद्धांत पढ़ता है तो उसको अवसर मिलता है कि उसको वो लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट भी कर ले अपने आप को। ऐसा जैसी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन रहा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा। अब रही बात आज के विषय की, तो मानव संसाधन प्रबंधन हिंदी का ज्ञान भी लोगों का थोड़ा सा अल्प हो गया है। अब शब्दों में कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट भी होता है टू अंडरस्टैंड सामाजिक अभियांत्रिकी। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो, जो मानव संसाधन प्रबंधन है, और सामाजिक अभियांत्रिकी जो है वो सोशल इंजीनियरिंग है। अब ये सोशल इंजीनियरिंग वर्ड जो है अभी क्वाइन हुआ है थोड़े दिन पहले। परम श्रद्धेया एक हमारी राजनेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग को पहली बार इस शब्द को क्वाइन किया फॉर विनिंग द इलेक्शन। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली? सोशल इंजीनियरिंग वो सब नहीं है जो हम आज पढ़ते हैं और देखते हैं, और मानव संसाधन प्रबंधन भी वो सब नहीं है जो आज हम उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा पढ़ते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो आज की डेट में एक ही डेफिनेशन है कि हमने एक समूह को किसी निर्दिष्ट उद्देश्य को के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हम प्रशिक्षण देते हैं, और उसको उस संसाधन का जो हम उपयोग करते हैं एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसका नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। डेफिनेशन ऐसी कहती है कि किसी भी प्रतिष्ठान में सबसे मूल्यवान वहां के मानव का कौशलगत यानी इफेक्टिव और सुसंगत यानी एफिशिएंट दृष्टिकोण, वो जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को या समूह को प्रकल्प व्यापार या प्रसंग या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनकी प्रगति में सहायता करना, ऐसी कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने देखी।
मुझे लगा कि नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन हो भी नहीं सकती। मुझे लगा कि हमारा जो अर्वाचीन व्यवस्था है हमारी प्रबंधन की, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, भारतीय वेद है, भारतीय पुराण है, भारतीय जो हमारी ऋषि मुनियों की व्यवस्था है, उसमें जो प्रबंधन है वो थोड़ा सा हटकर है। हमारे यहाँ क्या प्रबंधन है? हमारे यहाँ प्रबंधन प्रोजेक्ट या इवेंट का ना होकर के मनुष्य के जीवन का प्रबंधन है। हम लोग बहुत सुपरफिशियल यानी मॉडर्न मैनेजमेंट को मैं नकारना भी नहीं चाहता, एट द सेम टाइम उसकी अपनी डेप्थ है, उसके उसमें अपना काम है और उसने अपनी उसका साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जो अप्रोच में आती है। लेकिन किसी समूह को या किसी व्यक्ति को किसी एक प्रकल्प के लिए या किसी एक उद्देश्य के लिए तैयार कर देना विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से, वो वैसा ही है ठीक जैसा हमारे स्वामी जी कहते हैं गोविंद देव जी कि आजीविका की पढ़ाई करा देना, जीवन की पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ आजीविका की पढ़ाई है, प्रोफेशन की पढ़ाई है, वो प्रोफेशनल लर्निंग है जहां से हमारी हमारी रोजी रोटी, हमारे कुछ साधन, हमारे हमारी जो फैसिलिटेट करता है, जो हमारे यहाँ समझ लीजिए हमारा घर हो या हमारा ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कार हो और हमारे पास में सुख सुविधा के साधन हो, हमारी जो भी रोजमर्रा की जरूरत हो उसका एक स्तर बढ़ जाए केवल, वो अगर उद्देश्य है, वो अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। हमारे यहाँ जीवन पर ध्यान दिया है और जीवन पर ध्यान बड़े आराम से दिया है, बड़े आसानी से दिया है। और प्रारंभिक दौर में जिस प्रकार से समझाया गया, जिस प्रकार से बताया गया, उसमें सबसे ज्यादा सरलता से यदि किसी ने प्रस्तुत किया तो वो है हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज। बड़ी सरलता से केवल दो शब्दों में उन्होंने पूरा जीवन समझा दिया, धर्म का अर्थ भी समझा दिया, कर्म का अर्थ भी समझा दिया। वो कहते हैं कि स्वकर्म और स्वधर्म आदमी यदि रिलीजियसली करे तो उसको मोक्ष सुनिश्चित है। मोक्ष का मतलब क्या है? संतुष्टि। मेरे ख्याल से मनोमस्तिष्क में शांति और हृदय में उल्लास आनंद, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं किसी मूर्ति को मानूं नहीं मानूं, मैं नास्तिक हूं आस्तिक हूं हिंदू हूं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं किसी भी आस्था में विश्वास रखता हूं या नहीं भी रखता हूं, इसके बावजूद भी एक चीज मुझे चाहिए और वो कॉमन है सब में, वो चीज है आत्मसंतुष्टि, आत्मशांति, मस्तिष्क में एक शांतता और अंदर में आनंद की अवस्था, खुशी, सुख, इसकी लालसा आकांक्षा प्रत्येक को होती है। और इसके लिए जो जीवन प्रबंधन सिखाने का हमारा जो तरीका है भारतीय पुराणों का, भारतीय वेद शास्त्रों का, वो बड़ा उन्होंने बड़े सरल डेफिनेशंस दिए हैं, बड़े सरल डेफिनेशन दिए हैं। व्यक्ति स्व प्रबंधन के लिए समर्थ कब होता है? जब वो चारों पुरुषार्थ का पालन कर। अब चार पुरुषार्थ कौन से? बड़े आसानी से उन्होंने डिफाइन किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि हमको अपने विषय पर आना है, लेकिन वो जो जीवन प्रबंधन का विषय है वो इतना सरल है धर्म अर्थ काम मोक्ष में। यदि व्यक्ति जो अर्थ का अर्जन करता है यानी जो रिसोर्सेस जनरेट करता है वो यदि धर्म के आधार पर करे, अब वो धर्म क्या? स्वधर्म। अब स्वधर्म क्या? वो बड़ा आसान कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता, इट्स वेरी सिंपल। मुझे झूठ पसंद नहीं, दूसरे को भी झूठ पसंद नहीं, मुझे छल पसंद नहीं, दूसरे को भी पसंद नहीं, मुझे कपट पसंद नहीं, दूसरे को भी पसंद नहीं। यदि आप इस तरह से केवल अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, हम सभी अगर इस तरह से सोचेंगे कि इसी का नाम धर्म है, जो हमारे हृदय में सत्य करुणा और प्रेम जगा नहीं सकता कोई भी काम, यदि ये तीन चीजें हमको हमारे भीतर अगर उपजता नहीं है तो ये मान के चलिए हमारा रास्ता गलत है। यदि ट्रुथ हमारे अंदर नहीं आता
यदि करुणा हमारे अंदर नहीं आती, यदि दूसरे के दर्द से मेरा दर्द जुड़ता नहीं, तो ये मान के चले कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता निश्चित रूप से गलत है, कहीं ना कहीं उसमें दोष है। वो मुझे वो नहीं दे सकता जिसकी मैं लालसा करता हूं, वो जो सच्चित आनंद है। इसीलिए ईश्वर का नाम हमारे यहां क्या, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा रखा गया है, जो सत्य है और चित्त में है, आनंद स्वरूप वही परमात्मा है। अब ये जो प्रक्रिया है, इसी के साथ सामाजिक अभियांत्रिकी का भी थोड़ा सा मैं परिचय देता हूं कि सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग का मैंने आपको एक डिस्टॉर्टेड रूप बताया जो आज चल रहा है। बाकी सामाजिक अभियांत्रिकी बेसिकली क्या है, व्यक्ति समूह में रहना चाहता है, वो रहता ही है, पशु भी समूह में रहना चाहते हैं, और जहां हम परस्पर एक दूसरे के साथ इस प्रकार का सहयोग, इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, वो वातावरण जो हमको सबको समान अवसर देता है विकास के, समान अवसर देता है प्रगति करने के, समान अवसर देता है हमें अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति विकास की दिशा में ले जाने के, ऐसा वातावरण यदि हम निर्मित करते हैं समाज में, तो वही सामाजिक अभियांत्रिकी है। और शायद यही व्यवस्था थी, आज अगर एक हम कल्पना करें एक बिजनेस की, एक फैक्ट्री की, तो वहां डेफिनेटली प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होता है जहां ब्रेन्स लगते हैं, जहां सारी योजना बनती है। एक डिपार्टमेंट वो भी होता है जहां पर सारा मशीनें और ये सब लगाई जाती है और सारी व्यवस्था की सुरक्षा है, इन द सेंस उसका क्वालिटी अश्योरेंस तय होता है, वो भी एक डिपार्टमेंट होता है। वहां पर ये भी डिपार्टमेंट होता है कि जो इन एंड आउट देखता है फाइनेंस का, जहां पर सारे मैनेजमेंट होते हैं। वहां पर ये भी डिपार्टमेंट होता है जो काम करता है श्रमिक, वो कर्मिक जिसके सहारे वो चलता है। अब डिस्टॉर्टन क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ समाज, थोड़ा सा, कि जो व्यवस्था भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि मैंने चार वर्ण बनाए हैं अर्जुन, और वो चारों वर्ण जो है ना वो गुणों के आधार पर है, वो जन्म के आधार पर नहीं है। शायद कुछ स्वार्थ होगा या कुछ लालसा होगी, कोई शॉर्टकमिंग होगी, कोई छोटा सा चिंतन होगा कि मैंने अपने अगली पीढ़ी को वो प्रिविलेजेस दिलाने के लिए जिसके लिए वो फिट नहीं था, सारे काम ऐसे किए कि मैंने उसको टाइटल को बर्थ पे कन्वर्ट कर दिया। नतीजा क्या निकला, एक छोटा सा परिवर्तन, और आज हमारे सामने जो समाज की स्थिति है वो केवल इसी कारण से है। तो सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है, वो आधार, उसकी जो बुनावट है, वो बुनावट एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही है। और परस्पर सहयोग आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अर्न करना होता है। जब तक आप उसको अर्न नहीं करेंगे, वो अर्न करने के लिए, कोई भी चीज अगर आपको अर्न करनी है तो उसके लिए आपको इनपुट्स देने होते हैं, उसके लिए आपको उदाहरण बन के खड़े रहना होता है। और यही कारण है कि राम इस मामले में सबसे बड़ा आदर्श रहे, सबसे बड़ा आदर्श। अब उस काल को भी हम समझे जब रामचरितमानस लिखा गया, उस काल को भी हम समझे जब वाल्मीकि का जो हमारे जो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहें तो वाल्मीकि का राइटिंग तो रियल टाइम है, वो तो कोई यानी मिथक या कोई बोली चाली पे निर्धारित ही नहीं है, क्योंकि उस समय का वाल्मीकि रामायण का जो शुरुआत का प्रसंग है उसमें महर्षि नारद जो है वो तैयार करते हैं वाल्मीकि को। वो कहते हैं कि जानते हो वाल्मीकि, हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा पुरुषोत्तम उपलब्ध है जिसके पास जो गुणवान भी है, वीर्यवान भी है, धर्मज्ञ है, समन्वयी है, कृतज्ञ है, सत्यवक्ता है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, सदाचारी है, सर्वहितकारी है, विद्वान है, सामर्थ्यवान है, जितेंद्रिय है, धनुर्वेद में निपुण है, उदार है, हृदय उसका जो है समुद्र के समान मर्यादित है और हिमालय के समान धैर्यवान है, और समरसता से युक्त प्रजापति पालक है। ये बोल करके वाल्मीकि की जिज्ञासा बढ़ाते,
वाल्मीकि कहते ऐसा कौन है, वो कहते वही जिसकी छत्र छाया में हम सब यहां पर अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो बोले कौन, तो बोले राम। और वहां से वो सूत्र शुरू होता है। देखो राम एकमात्र, हमारे यहां एक व्यवस्था रही है, जो तीन हमारे जो आदिदेव हैं उसमें एक देव तो ऐसे हैं जो जमीन के ही हैं, महादेव, उनकी तो उत्पत्ति कब और वो गए कब इसका कोई किसी प्रकार का कोई न तो हमारे पास पुराणों में है न कहीं कोई किसी प्रकार का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। वो तो यहीं से व्याप्त हैं और किसी नेचर से के है और इसी नेचर में रमे हुए हैं और इसी नेचर में जैसे पंचतत्व से हम बने हुए हैं, वो पंचतत्व को निर्धारण करने वाले, उसको चलाने वाले, उसको गति देने वाले वो है महादेव, और विरोधियों को परस्पर साथ रखने वाले, एक तरफ बैल है तो दूसरी तरफ उनके पास में सांप है, दोनों की नहीं पटती, दोनों उनके साथ है। बिकॉज वो विरोधाभास, वो जो समझ लीजिए एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन, वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। वी हैव टू लिव विद इट। हमको कई चीजें जो है वो मृत्यु और अमरता दोनों को साथ लेके चलनी होती है। इस जीवन का, इस सृष्टि का ये नियम है कि जो बनता है वो बिगड़ता है और जो बिगड़ता है बिगड़ के फिर बन जाता है। तो महादेव उसका प्रतीक है। लेकिन जहां हम पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम की बात करते हैं, विष्णु को डिफाइन करते हैं, तो एक छोटी सी मैंने पेंटिंग देखी थी महाराष्ट्र के किसी बड़े आर्टिस्ट की, जिसमें बड़ी प्राचीन है वो, जैसे गज की पेंटिंग आपने देखी हो गजेंद्र मोक्ष की, कि वो पैर उसका गज का जो है मगर के मुंह में रहता है और भगवान जो है वो त्रिशूल अपने सुदर्शन से उसकी गर्दन मगर की काटते हैं। ऐसी एक पेंटिंग मैंने और देखी, वो पेंटिंग देखी थी मैंने कि उसमें भगवान विष्णु जो है शेष शैया पर सोए हैं और ऐसा कंधे पे अपना शैया पर जो है ऐसे कोहनी से उन्होंने अपना सिरहाना बनाया हुआ है और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और समुद्र जो है छोले ले रहा है और सागर, और उनकी जो छाया है वो शेषनाग की है और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा के और नाभि से उनके ब्रह्म निकलता है। अब चीजें और हमारी सीख कैसे डिस्टॉर्ट होती है वो आप देखिए। लक्ष्मी जी यानी स्त्री और विष्णु यानी पुरुष, तो बोले वो पैर दबाएगी तो ही जो है उसका जीवन सार्थक उसी पैर दबाने में। तो ये एक एंगल हुआ देखने का। एक दूसरा एंगल भी हमारे देखने का है कि ये जो थपेड़े हैं जीवन के, वो जो लहरें हैं समंदर की जिसपे वो लेटे हैं शेषनाग पर, ये जो जीवन के थपेड़े हैं जो कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे लेके आते हैं, ये जो हम जिस प्रकार से समझ लीजिए उथल पुथल के जीवन हमारा जीते हैं, रोज प्लसेस और रोज माइनसेस होते हैं, ये जो है ये भवसागर है जहां पर मैं हूं। और वहां पर यदि मैं जो विष है, जो शेषनाग है समझ लीजिए वो विष है, जो आपके एडवर्स डिसीजन होते हैं, जो आपके विपरीत जाता है, जो जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो जो आपको बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले वाली परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि मैं कोहनी का सिरहाना करके मुस्कुरा के लेट सकता हूं, ऐसी अवस्था में जिसको हम गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, न प्लस में न माइनस में कुछ नहीं, न शीत में न उष्ण में, ऐसे में यदि मैं मुस्कुरा सकता हूं तो संसाधन मेरे गुलाम होंगे, मैं संसाधन का गुलाम नहीं हूं, रिसोर्सेस विल बी अंडर मी, मैं मटेरियल्स का गुलाम नहीं बनूंगा, मटेरियल मेरा गुलाम है, मैं रिसोर्सेस को यूज करूंगा जैसा मुझे यूज करना है, इन द डायरेक्शन विच आई वांट। जब मैं ऐसा करूंगा तभी जाकर के मेरी नाभि से ब्रह्म निकलेगा यानी क्रिएशन होगा, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन का प्रतीक है। हम यदि इसको इस एंगल से देखते या समझते तो शायद हमारा जीवन के प्रति दृष्टि कुछ भिन्न होती। लेकिन जैसा हमने कहा इसके पहले, हमने चर्चा की कि बात ये हुई कि जब वो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलना शुरू हुए
तो हम किससे कहानियों में अटक गए, हम उसके बाहर निकलने की हमारी क्षमता नहीं बची। और यही कारण है कि हम राम नाम के शब्द में को ही राम समझते हैं। राम तो केवल एक संबोधन है, जैसे पेड़ शब्द पेड़ नहीं है, ऐसे राम शब्द भी राम नहीं है। राम केवल एक संबोधन है। राम को यदि आपको समझना है, राम को यदि आपको जानना है, तो राम के निकट जाना होगा। और राम के निकट जाने के लिए बहुत साहस लगता है, क्योंकि राम आपकी बहुत सारी वर्जनाएं तोड़ देते हैं, राम आपके बहुत सारे पूर्वाग्रह हटा देते हैं, राम आपको बहुत त्याग करने को कहते हैं। ऐसे राम के पास यदि आपको जाना है, तो निश्चित रूप से आपको यह तय करना है कि आप स्वयं किस तैयारी में हैं। और वर्तमान युग में जिस प्रकार से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो मैंने बताया आपको कि जो इवेंट के साथ प्रोजेक्ट के साथ चलता है, ह्यूमन बीइंग को उतना ही ट्रेंड किया जाता है जितना ट्रेनिंग हमको रिक्वायर्ड है। उसको क्या रिक्वायर्ड है उस पर चर्चाएं नहीं होती है। और सोशली भी बहुत सारी वर्जनाएं हम दिमाग में लेके चलते हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि तुलसी ने राम को अभिव्यक्त कर, राम का माध्यम बना करके जो चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया, अभिव्यक्त की, वो जो अमर्याद हो रहा था समाज, कहते हैं वो भक्ति काल था 1400 साल, सन 1400-1500 के बीच, और वो भक्ति काल भी कृष्ण के नाम पे बड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। उसका नतीजा है कि विधवाओं के वृंदावन में इतने बड़े बड़े केंद्र हैं जहां पर शोषण के अलावा कुछ नहीं होता। उसका एकमात्र कारण ये भी है कि जिस प्रकार से हम हिंसात्मक कर्मकांड, हम कर्मकांड को ही धर्म समझ बैठते हैं, और वो कर्मकांड को हमने हिंसात्मक भी बना लिया है, यानी वो हमारे प्रति तो हिंसात्मक है ही, वो जीवन के प्रति भी हिंसात्मक हो गया, हम अटक गए उसके अंदर पूरी तरह से। और ये सब चीज, ये सब वर्जनाओं से, ये सब बंधनों से यदि कोई मुक्त करता है, तो वो केवल राम मुक्त करते हैं। राम ही हमको वो रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते से, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला जो रास्ता है, वो राम वास्तव में उस रास्ते पे चले, उस रास्ते को उन्होंने जिया। हम यदि कथानक को देखें तो राम क्या थे, दशरथ के पुत्र, बुढ़ापे की संतान, आदमी बड़ा पॉजिटिव होता है उस सब, और बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ओवर प्रोटेक्शन करता है अपने बच्चों का। नतीजा क्या निकलता है कि जीवन की बहुत सारी रियलिटी, बहुत सारे सत्य से उसका परिचय होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहां पर एक वशिष्ठ थे, मेरी मजबूरी ऐसी है कि 5 साल और 400 पेजेस का थीसिस, मुझे 50-55 मिनट में आपके सामने उसकी एक झलक भर प्रस्तुत करने के का प्रयास करना है, तो थोड़ा सा कथानक के साथ चलूंगा तो थोड़ा आगे बढ़ता रहूंगा। तो मेरे साथ साथ आप चलें तो रामकथा सभी को मालूम है, मैंने केवल उसके अंदर क्या देखने का प्रयास किया है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अब ऐसे में वशिष्ठ राजगुरु हैं, राजपुरोहित हैं, अगर कॉर्पोरेट लैंग्वेज में देखें तो थिंक टैंक है, वो गाइड है, गाइड है कॉर्पोरेट के, वो उनके जो मूल्य हैं, जो स्थापित मूल्य हैं राजा के और उस राज के, उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी नैतिक उन्हीं की है। वो व्यक्ति यदि अपने मातहत, अपने अंदर राजा के बेटे में कुछ विलक्षणता देखता है, कुछ ऐसे गुण देखता है जो गुण उसको अधिनायक से बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। उस समय व्यवस्था क्या थी, राज व्यवस्था थी, यानी अधिनायकवाद था, एक राजा था, जो वो कहता था वो हो जाता था। ऐसे में राम लोकनायक बने, जो अधिनायक राम है वो लोकनायक बने। वो कैसे बने, तो वशिष्ठ ने उस क्षमता को पहचाना, लेकिन आफ्टर ऑल वो कॉर्पोरेट का जो बहुत बड़ा हेड होता है, वो उस समय के जो प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं जिनके साथ वो जीरो से उठ के आता है ऊपर तक, उनके साथ तो काफी ओपन होता है, लेकिन उनका बेटा यदि आ जाए तो उसके साथ बात करने में थोड़ी तो संकोच उसको डेफिनेटली होगी।
और लिमिटेशंस भी होगी उसकी ट्रेनिंग। आज मैंने ऐसे कई बिजनेस हाउस देखे जहां पर ट्रेनिंग होती है, जब वो बच्चा आता है नेक्स्ट जनरेशन का तो वो लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करता है, एकदम लोएस्ट टेबल से, और वो सीखते 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 आगे आता है। कई ऐसे होते हैं जो पैराशूट लैंडिंग से सीधा आते हैं, नतीजा क्या निकलता है, नतीजा एक दो दशक में सामने आने लगता है। अब वशिष्ठ, आई एम सॉरी, मैं अगर कुछ चीजें बोलूं जो शायद आपको ठेस भी पहुंचाए, कुछ शब्द तो हो सकता है पॉसिबल है, उसके लिए मुझे माफ करना। वशिष्ठ कॉर्पोरेट थिंक टैंक जरूर थे, लेकिन आफ्टर ऑल वो पेड सर्वेंट थे अयोध्या के, उनकी तनख्वाह उनकी आजीविका चलती थी वहां से, तो बियॉन्ड कैपेसिटी बोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं इस राम के अंदर छुपी हुई जितनी भी जितने गुण मैंने जो देखे हैं छोटे छोटे, जो एक व्यक्ति को इतना बड़ा बनाते हैं कि पूरे समाज को परिवर्तित करने की जिसकी क्षमता है, ऐसी विलक्षणता मैंने जब उसके अंदर देखी है तो उसको मैं कैसे डेवलप करूं, बोलूं तो कैसे बोलूं। ऐसी परिस्थिति जब उनके दिमाग में आती है तो संयोग विश्वामित्र एक दिन आ जाते। अब राजन तो बड़े फूले हुए रहते हैं दशरथ जी, एक मांगा था चार चार पुत्र हो गए, और राजपाट भी ऐसा है कि जहां किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, विरासत भी बहुत बड़ी है, इक्ष्वाकु वंश महान है, और जहां भगीरथ हुए, जहां पर समझ लीजिए रघु हुए, ऐसे बड़े बड़े महान राजा जहां हमारे पूर्वजों में है, तो एक औरा कुछ और ही होता है। वो कॉर्पोरेट हाउस का भी वैसे ही औरा होता है कि जब वहां पर शून्य से शुरू होने का इतिहास लिखा होता है, तो अब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जब विश्वामित्र आते हैं। ये भी आउट ऑफ इमोशन जैसे आते हैं, वो ये उठ के खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में कमिट कर देते हैं कि बोलिए ऋषिवर कैसे आना हुआ, और आप जो चाहें, मैं इस समय बहुत प्रसन्न हूँ, और इस समय मैं आपका आना भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है, तो आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो विश्वामित्र थोड़ा सा वार्न भी करते धीरे से, देखो राजन बिना समझे कमिट कर रहे हो, कहीं ऐसा ना बोले नहीं ये तो वैल्यू सिस्टम है मेरे यहाँ, मैंने कमिटमेंट दे दी उसके बाद तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। तो बस वो कमिटमेंट वहां से आता है, और कमिटमेंट जैसे ही आता है वो कहते हैं मेरे को तेरा पुत्र चाहिए, अब किस लिए चाहिए, वो कहते हैं मेरे अनुसंधान में, मेरे जो मैं काम करता हूँ जंगल में, जो मेरी यज्ञ है, जो अध्ययन केंद्र है, जहां मेरा अनुष्ठान होता है, अब थोड़ा सा आज के संदर्भ थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आज के टाइम में सोचो कि हर चार साल में कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, 12 में पूर्ण कुंभ होता है, वो हमारे लिए था ही नहीं, इट वॉज नॉट फॉर अस, वो तो उन्हीं के लिए था जो वहां जमा होते हैं, जिनकी अब आज तो वहां पे भी बड़ा ईगो हो गया कि पहले किसकी निकलेगी सवारी। और कायदे की बात यह है कि वो जो अनुसंधान किया करते थे जंगलों में अपने तप से, वो जो सोशल और वो जो जीवन मूल्यों का संवर्धन, और उसको धीरे धीरे उसका जो टॉक्सिक हो जाए वातावरण, उसका प्यूरिफिकेशन यदि करना है, तो वो आकर के समाज को संदेश देते थे, वो सारे सारे इकट्ठा होकर एक सुर में एक रूप में, इसीलिए कुंभ होता था। अब मैं जाकर के डुबकी लगा के निकल के आता हूँ, खत्म हो गया भैया, जितने थे दुर्ग, अब आगे के आगे देखेंगे, अगले के टाइम अगले निपटेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने चीजों को बहुत बहुत ही सहज और बहुत ही लाइटली ले लिया है, बहुत सुपरफिशियल, बड़ा छिछला, जबकि राम कैसे राम बनते हैं उसको यदि अगर उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझें, तो वो आकर के डिमांड करते हैं, वो कहते हैं दे दो पुत्र, ये कहते हैं कि ऐसा कैसा, ये तो बात ही नहीं हुई थी, बोले बात तो पुत्र की हुई नहीं थी, बात तो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट आप दे चुके राजन। उसके बाद वशिष्ठ जो है अपना रोल प्ले करते हैं और दशरथ को समझाते हैं कि नहीं देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो पुरानी ग्लोरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे साथ युद्ध में तुम तो ऑलमोस्ट खत्म ही थे, तुमने तो आड़े तेड़े कमिटमेंट दे करके अपना अपनी राजगद्दी बचाई है। तो ये सारी चीजें उनको समझाते हैं, समझा करके बड़े आराम से जो है
वो परमिशन, वो बोलते मेरी सेना ले जाओ, तो बोले तेरी सेना क्या करूँ, मेरे को तो यही चाहिए। वो कहते मैं चलता हूँ, बोले तेरी तो जरूरत ही नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, और ना करना तो ना कर दे। अब ना कर कैसे ना करे, बड़ी मुश्किल। वशिष्ठ के समझाने पर वो अलाउ करते, अलाउ करते, तो वो राजकुमार जो है, अब लक्ष्मण, अब लक्ष्मण देखो हमारे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का देखना, चाहे दुकान हो आपकी, या आप नौकरी करते हो, या कॉर्पोरेट हाउस चलाते हो। अब देखो दो प्रकार के लोग रहते हैं आपके साथ, जो आपकी टीम बनती है उसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहता है व्यक्तिनिष्ठ, जो पर्सनली आपके प्रति कमिटेड होता है, आपके अच्छे बुरे सब चीज को वो फाइट करता है, लास्ट में मान भी लेता है। अगर मान लीजिए बहुत उद्दंडता कर भी बैठे वो कभी, आउट ऑफ दी पोजेसिवनेस टुवर्ड्स दी लीडर, लेकिन अगर लीडर समझाता है तो लास्ट में वो मान भी लेता है। दूसरा होता है तत्वनिष्ठ। अब दो कैरेक्टर, एक भरत और एक लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है ना वो व्यक्तिनिष्ठ है, उसकी निष्ठा राम के प्रति है, और भरत जो है ना वो तत्वनिष्ठ है, उसकी पूरी जितनी भी निष्ठा है वो राज्य के प्रति है, उन तत्वों के प्रति है जो उनको लिगेसी में मिले हैं, वो सारे समझ लीजिए सिद्धांत के प्रति है, वो राम का एक तरह से प्रतिरूप है भरत। तो हर कॉर्पोरेट हाउस में आपको इस प्रकार के कैरेक्टर मिलेंगे। एक होगा जो टोटली जो अपने मालिक को भी ये बोलने की क्षमता रखेगा कि नहीं यार तेरा ये जो स्टेप है ना ये गलत है, यू आर डूइंग रॉन्ग, तो ये भरत तत्वनिष्ठा सिखाती है हमको, और हमको देखते हैं, हमको उदाहरण है, ऐसे मिलते हैं हमको रोज में उदाहरण। लक्ष्मण व्यक्तिनिष्ठ है, वो जो राम ने जो बोला वो अपन ने कर दिया, चाहे उसके लिए अपने को कम हो या ज्यादा हो। अब इसके चक्कर में भरत लक्ष्मण भी चिपक जाते हैं, नहीं मैं तो जाऊंगा, भाई को छोड़ूंगा नहीं, निकलते हैं। राजकुमार पूरे आभूषण वगैरह पहने हुए रथ में बैठ करके बड़ी मुश्किल से तो राज्य के बाहर निकलते थे, कभी बाहर त्योहार निकल गए तो निकल गए, वरना तो वो तो महल के अंदर ही रहते थे फुल प्रोटेक्शन में। अब वो बाहर निकले निकले और जैसे ही नगर पे पहुंचा रथ, रोक दिया विश्वामित्र, बोले उतरो राजकुमार, जहां जाना है ना वहां रथ नहीं चलते, अपने को पैदल जाना। और वो पैदल लेके जाते, वहां पहुंचते वो कहते इस आश्रम के कुछ नियम है राजकुमार, अगर आपको यहां रहना है तो आपको ये सारे राजसी वस्त्र और ये सारे आभूषण जो है ना निकाल के कोने में रखने होंगे, अपनी जटा को जो है अपने बालों को जो है वटका वो लगाओ दूध और उसकी जटा बनाओ और वलकल पहनो, क्योंकि आप अलग से नहीं दिखना चाहिए, आप यहां किसी विद्यार्जन के लिए आए हैं, आप कुछ सीखने आए हैं, कोई लक्ष्य लेकर आए हैं, यू शुड नॉट बी आउट ऑफ द लॉट। राम सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि राम का वो सहर्ष स्वभाव है। दूसरे दिन राम थोड़ा लेट उठते, गुरु जी पहले उठ जाते। वाल्मीकि रामायण के उद्धरण बड़े कमाल के हैं, वाल्मीकि रामायण में कहीं किसी कोण से भी राम जो है ईश्वर नहीं है, किसी भी कोण से, इसीलिए उन्होंने बचपना राम का जो है ना वो अवॉइड ही कर दिया है वाल्मीकि ने, उन्होंने शुरुआत ही जो है उनके 8-9-10 वर्ष की आयु से की है। गुरु समझा देते कि ये डिसिप्लिन है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये कौन समझा सकता है, ये वो गुरु समझा सकता है जो आपका पेड सर्वेंट नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कॉर्पोरेट का कोई बेसिक थिंक टैंक जो है वो नए बच्चे को ये समझा दे कि नहीं यार तेरे को तो ट्रेन से जाना है। आई नो अ बिजनेस हाउस इन नागपुर, आई नो, आई कैन कोट देयर नेम ऑल्सो, कि उन बच्चों को फ्लाइट नहीं मिली जब तक वो आकर के बैठे नहीं, जबकि वो चार्टर फ्लाइट भी अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं नागपुर में, पिंडारकर परिवार, रिको लैब्स, नहीं दिया उन्होंने, उनको फ्लाइट अलाउड नहीं थी, वो स्लीपर में गए बच्चे। तो आज अगर अमित से आप मिलो तो आपको मालूम होगा कि कितना बड़ा अंतर है एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के युवा में जो सेकेंड जनरेशन है और हमारे अमित में। जब आप उससे मिलते हैं तो आपको उसका फर्क समझ में आता है। अब यहाँ की परिस्थिति ऐसी होती है कि वहां पहुंच करके तीन गुरुओं की बड़ी भूमिका है इसमें, पूरे इसमें। एक वशिष्ठ की जो राजर्षि है, उसके बाद में विश्वामित्र की जो लोकर्षि है, और अगस्त ऋषि जो इनको आयुध वगैरह देते हैं फाइट आउट करने के लिए, क्योंकि ये तो
समझ लीजिए मिसाइल चाहिए तो कोई कला नहीं बनाएगा, वो तो कोई पीएमओ में या किसी राष्ट्रपति भवन में नहीं बनेगी ना, वो तो कोई साइंटिस्ट ही बनाएगा। तो अगस्त मुनि ये तीन गुरु जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल इसमें है। और अब विवाह के बाद वो घर आ गए, प्रसंग तो बहुत है, चौपाइयां भी हैं इसमें, उदाहरण जितने मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी चौपाइयां भी हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास समय थोड़ा अवधि कम है इसीलिए मैं बहुत, और मेरे मस्तिष्क भी इतना प्रगल्भ नहीं है कि वो सारी चौपाइयां मैं याद भी रख लूँ, शायद भविष्य में प्रयास करूंगा कि मैं चौपाइयों के साथ उदाहरण दूं। अब वो आ गए, आने के बाद में वहां पर दो सभा है, दशरथ ने वशिष्ठ से कहा कि भाई अपने को तो अब रिटायर होना है, अपने को जाना है वन में वानप्रस्थ जीवन, तो अपने को तो युवराज को कॉर्पोरेट बिठाना है गद्दी पर। तो उन्होंने सभा बुला ली, आम सभा, आसपास के जो शत्रुत थे वो सारे आ गए और वहां डिक्लेयर हो गया। अब राम की ख्याति थी, वो डिक्लेयर भी हो गया कि भाई ये हमारे राजा होंगे। अब दो है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, राज्यसभा इग्नोर हो गई, उन्होंने पहले घर में बात नहीं की, ना कैकेयी से बात की, ना कौशल्या से बात की, किसी से बात नहीं की। तो जब राज्यसभा इग्नोर हो गई तो वहां बिल फेल हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने कहा महाराज जिस दिन आपके प्राण संकट में थे ना, उस दिन जब आपने आपको मैंने बचाया था और आपके प्राण जब संकट में थे और मैंने आपको जब बचाया तो उस समय शर्त थी, क्या शर्त थी? और जब विवाह का आपने प्रस्ताव रखा, कहते हैं कैकेयी बड़ी खूबसूरत थी, बोले जब आपने प्रस्ताव रखा तो मेरे पिता ने स्पष्ट कह दिया था कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वही राजा होगा और आपका कमिटमेंट है, तो जब आपका कमिटमेंट है तो कैसे होगा? अब आपको एक कॉर्पोरेट के एक बहुत बड़े टैलेंटेड व्यक्ति को जो है साइड ट्रैक करना है, जो आपका चला सकता है, आपकी लीगेसी चला सकता है, ऐसे व्यक्ति को आपको साइड ट्रैक करना है। अब साइड ट्रैक करना है तो कैसे होगा भाई? वो तो ऐसा है कि वो तो उसके ना वो तो कॉमन है और नोन है, वेल एक्सेप्टेबल है, दुनिया उसको प्यार करती है, कल को ऐसा ना हो कि रिवोल्ट हो जाए। और डिसीजन कहाँ हुआ है? डिसीजन तो आम सभा में हुआ है और डिक्लेयर तो वशिष्ठ ने किया है कि भैया जनरल बॉडी के अंदर जहां पर सारे शेयर होल्डर बैठे थे वहां पर बात हो गई, तो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे या नहीं थे उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा इशू बढ़ता है कि वो अपना डिमांड कर लेती है, बोलती है इससे बचना है तो इसको भगाना पड़ेगा। अब भगाना पड़ेगा तो 14 साल का वनवास डिक्लेयर कर देती है, एग्जाइल, आप निकलो। अब 14 साल निकलना, अब आप सोचिए कि जिसका प्रथम प्रहर में दूसरे दिन सुबह राज्याभिषेक होने वाला, ठीक है, उस व्यक्ति को, यानी वो सीईओ या एमडी बनने वाला है, उस व्यक्ति को बोला जाए कि अब तुम इस कंपनी में ही नहीं, चलो निकलो बाहर, क्या होगा? जब हितों पर चोट पहुंचती है ना तो आदमी बिफरता है, तो व्यक्तिनिष्ठ जो होता है ना वो लड़ता है। लक्ष्मण वैसे ही लड़े उस समय। लक्ष्मण ने कहा कि ये बाबा जी ने तो तुमको राजा बनाया नहीं था, राजा बनाया आम सभा ने, तो ये तो संभव ही नहीं है कि अपन इसकी, ये इसकी पर्सनल लाइफ है, इसके पर्सनल कमिटमेंट है, उसका अपना क्या लेना देना? राम कहते नहीं, ये वैल्यू सिस्टम, ये राजा का कमिटमेंट है, ये राजधर्म है, और राजधर्म को किसी भी कंडीशन में इस तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। यदि कॉर्पोरेट का कोई लीडर कोई कमिटमेंट कहीं देकर आता है, नो मैटर वर्बेटम ही क्यों ना हो, लेकिन इट हैज वैल्यूज। अब आप सोचेंगे कि आज वो कैसे पॉसिबल है, मैं बताऊंगा आपको कि आज भी है एक कॉर्पोरेट हाउस हिंदुस्तान में, आज भी है जो इसी वैल्यू सिस्टम पे चलता है और बहुत बड़ा है, वो है टाटा फैमिली, उसको देख लो आप, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट की किताब उठा के देख लो आप, यू विल फाइंड कि कहीं भी आप रामायण के और राम के किसी भी मूल्य को और तत्व को मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव रेड टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। वो जो आपको टीच करता है, वो जो आपको सिखाता है, तो आज रेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भाई जो छल से और कपट से और एक्सटॉर्ट करके और शोषण करके ही संभव हो सकता है जो कहा जाता है, वो बड़ी छोटी बात है। हमारे पास में इतना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस उदाहरण है जहां पर लीगल फीस का पेमेंट नहीं करना इज ए क्राइम फॉर दैट ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ दैट यूनिट। वो कहते हैं आपको अगर कहीं डाउट है कि whether this payment, this challan has to be paid or not,
आप एक काम करिए उसका उसको लीगली फाइट करिए बाद में, लेकिन पहले उसको पे करिए उसके बाद फाइट करिए। तो नेशन बिल्डिंग की जो अप्रोच है वो अप्रोच राम के तत्व से ही आ सकती है। नेशन बिल्डिंग की जो अप्रोच है वो अप्रोच रामायण के वैल्यू से ही, वैल्यू सिस्टम से ही आ सकती है। अब वो निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद क्या होता है, जब वहां से वो रवाना होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उसमें, क्योंकि वो स्वाद चख चुके थे विश्वामित्र के साथ जाकर के एक अल्प समय में, कि उन्होंने जीवन में क्या गेन किया। उन्होंने कहा इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी है। ये मैनेज हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में होता है कि हम जब क्राइसिस कोई देखते हैं तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ढूंढ करके उसको एनकैश करने की भी कोशिश करते हैं। राम कहते हैं यार ये तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, कि जहां पर मैं कॉमन मैन के साथ रहूंगा उनके साथ, और जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं जो जंगल में वास करते हैं, जिनके जिनकी टीचिंग से मैं प्रभावशाली हुआ, प्रतिभाशाली हुआ, ऐसे विश्वामित्र। और देखो विश्वामित्र और वशिष्ठ का भी थोड़ा प्रासंगिक जरूर है, लेकिन कहना चाहूंगा दोनों में आपस में भयंकर डिस्प्यूट था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उनको ब्रह्मर्षि का पद देने में वशिष्ठ इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने 50 बार 50 कर्म किए कि उसको ब्रह्मर्षि ना बोला जाए, लेकिन लास्ट में उनकी पत्नी कहती है कि महाराज जब वो पति कर रहे हो आपका, आपकी खुद की प्रतिष्ठा जो है खत्म हो जाएगी, जो आज की डेट में बनी हुई है ना समाज में वो टोटली खत्म होगी, आप विश्वामित्र के साथ अन्याय कर रहे हो। जहां इतना विरोधाभास है वहां पर आवश्यकता थी, नीड बेस्ड जो डिसीजन लेना था वो लेकर के राम को सौंपते हो और राजा को भी कन्विंस करते कि इसको दे दो, बिकॉज वॉट ही कैन डू, हाउ ही कैन शेप हिम, आई कैन नॉट। अब वहां से निकलते राम मिलते भारद्वाज ऋषि के आश्रम में और गौतम ऋषि के आश्रम में, वहां निषाद को भी मालूम पड़ता जो जंगल में अपना राज चलाता है, सो कॉल्ड ट्राइबल्स हमारे आज के, जिसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले कैटेगरी में रखा हुआ है, वो आता, वो आकर के बोलता कि राम आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आपको वनवास हुआ है तो आप यहीं रुक जाओ और चलो मेरे साथ मेरे नगर में, वहां आप बैठो राज करो। वो कहते नहीं, मेरे पिता का वचन है मैं नहीं जाऊंगा, जो मेरी कमिटमेंट है मैं उस कमिटमेंट को फॉलो करूंगा। अब वहां के जो कोल है, किरात है, आदिवासी है, जितने भी वहां के लोग हैं वो सारे के सारे इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आते हैं। राम को निकले तो ऐसे कोई आज रात को यहाँ थे, कल रात को वहां थे, परसों रात को वहां थे, वैसा नहीं है। When he started his journey, तो वो 8 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर ऐसे रहे रुके। सीता हरण के बाद में जरूर वो थोड़ा उनकी जर्नी फास्ट हुई, बिकॉज वहां का टारगेट अलग हो गया था, वहां के चैलेंजेस अलग हो गए थे, वहां के थ्रेट्स अलग हो गए थे। लेकिन आप सोचो अभी उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, आप कहीं भी दुभाषिया नहीं था जो उन ट्राइब्स को जो है बात करवाता था राम से, कहीं भी। वाल्मीकि रामायण में भी उदाहरण नहीं है, कंब में नहीं है, और बंगाली में भी एक रामायण है, उड़िया में भी एक रामायण है। मैंने कोशिश करी है कि मैं काफी इन प्रिंसिपल तो मैं काफी उसके थ्रू जाऊं, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि दुभाषिया था, कहीं भी नहीं लिखा। अब हमको ये आश्चर्य होता है कि संभ्रांतों की भाषा संस्कृत होगी उस समय, और जितने भी हमारे वो थे एलीट क्लास एलीट वर्ग वो संस्कृत में संवाद करते। अब राम ने वो कोल किरात और भीलों से कैसे बात करी होगी। अब आपके आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, आप आईएएस ऑफिसर करला का महाराष्ट्र कैडर में अपॉइंटमेंट होता है उसका, केरला के आईएएस ऑफिसर का, वो महाराष्ट्र कैडर में आता है, एक महीने के अंदर मराठी बोलता है, एक महीने के अंदर, और कभी कभी इतनी शुद्ध बोलता है, उच्चारण में दोष हो सकता है उसके, वो उच्चारण जो है एक्सेंट उसका वही का होगा जिस एक्सेंट से वो बड़ा होकर के यहां तक पहुंचा, बचपन से जो एक्सेंट से वो उसने बोलना शुरू किया, लेकिन वो बोलता है बिल्कुल और शुद्ध बोलता है। और प्रारंभ में आने के पहले, ज्वाइन करने के पहले इतना तो बोल ही लेता है जिससे कि उसका संवाद स्थापित हो सके। तो राम ने भी डायरेक्ट डायलॉग्स किए, सीधी चर्चा की। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कैसे है, ये पॉसिबिलिटी केवल एक कारण से है कि जब मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं
तो निश्चित रूप से मैं झुकता हूं और आपको उठाता हूं। बिना उसके हमारा समान स्तर समान लेवल नहीं आ सकता। तो ये समता ये समरसता, अब उसके बाद क्या होता है, उसका भरत बोलते हैं मिलने आना है, मैसेज आता है, वशिष्ठ कहते हैं चलो, भरत आते हैं, बड़ा बड़ा भरा बुरा कहते हैं अपनी माँ को, ये तो हमारे पुराण में है ही। और उसके बाद में वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में देखते हैं कि अच्छा भरत जब आने वाले रहते हैं, राजा जा रहा है तो पूरी प्रजा कहती है हमको मिलना, सारे के सारे आ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण अगर देखोगे ना तो वो जो कलवर्ट्स हैं, जो रोड बनाए गए हैं उस समय, जिस प्रकार से जंगल थोड़ा सा साफ किया गया है, रथों के जाने आने की जो व्यवस्था है, और उसमें जिस प्रकार के यंत्र लिखे गए हैं, जिससे वो झाड़ काटे गए, जिससे वो कलवर्ट का निर्माण हुआ, जिससे कि वो रथ उसके ऊपर से चले जाएं आसानी से, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सारा इकोसिस्टम लॉजिस्टिक का जो होता है या ट्रैवल का होता है, उसको जिस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है, वो अपने आप में कमाल है। भाई मुझे तो नहीं मालूम कब हुए वाल्मीकि, मेरे 10-15-20 पीढ़ी 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी के अंदर भी कहीं सुनने में नहीं आता कि भैया वाल्मीकि का ठिकान जगह था, अस्तित्व था। इसका मतलब इट इज समथिंग फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक। और वहां पर हमारा बौद्धिक और हमारा जो इंटेलेक्ट है वो किस लेवल का है, आप उसको यदि मान लो इस दृष्टि से देखेंगे, इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको ध्यान आएगा। अब वो धूल उड़ती दिखती है, लक्ष्मण फिर व्यक्तिनिष्ठ आदमी है भाई, वो तो आक्रमण करने आ रहा है, अपन तो सेना सज्ज करो, मुकाबला करेंगे अपन उससे। राम कहते हैं भाई पॉसिबल ही नहीं है, भरत को मैं अच्छी तरह जानता हूं, दिस इज द फेथ ऑफ ए लीडर, ऑफ ए मैनेजमेंट लीडर, ऑफ ए कॉर्पोरेट लीडर विथ हिज सबॉर्डिनेट्स। वो कहते नहीं, वो हम कर ही नहीं सकता। भरत आते हैं, आने के बाद पहला काम राम क्या करते हैं, कैकेयी को जाते हैं। अब इसको आप इस एंगल से देखें कि यदि मान लीजिए हमारे से, हमारे किसी मातहत से, हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से, कहते हैं कैकेयी को राम सबसे ज्यादा प्रिय थे, सबसे ज्यादा, और वही विरोध करती है, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड गॉड नोज, लेकिन विरोध करती है। अब आप देखिए कि राम, इस प्रसंग को आप ऐसे लीजिए कि मान लीजिए हमारे परिवार में या हमारे कॉर्पोरेट परिवार में या हमारे ग्रुप में किसी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए और वो मान ले कि हाँ यार उससे गलती हो, उस गलती को यदि वो स्वीकार करे और उसको पश्चाताप हो, ऐसे में यदि लीडर उसको जो है अपनी तरफ से क्षमादान देता है, क्षमादान कहूं या उसके साथ सहज होने का बर्ताव करता है, तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वापस उस हाउस में आकर के मिलती है। और इस तरह के डिसीजन, इस तरह का स्प्लिट होना, इस तरह से रूठना, ये हमारे मानवीय संवेदनाओं का और मानवीय जीवन का एक हिस्सा है, इट इज अ रूटीन पार्ट, ये तो पॉसिबल है, ये तो होता ही है। इसके बावजूद भी स्प्लिट ना हो फैमिली, हाउस बिखरना नहीं चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सोशल ग्रुप हो, नहीं बिखरना चाहिए। उसके लिए किस प्रकार की उदारता रखनी पड़ती है, किस प्रकार का बड़ा दिल रखना पड़ता है, वहां राम इस चीज को शो करते हैं, जाकर के अपना कॉन्फिडेंस वापस से रिपोज करते हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। उसके बाद में निषाद को मिलाते हैं भरत से राम, ये बोल करके कि भरत जब तुम नहीं थे तो उस समय ये निषाद था जिसने ये सारी व्यवस्था मेरे लिए यहां की, और वशिष्ठ को मिलाते हैं निषाद से, यानी जो सबसे बड़ा ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा प्रतीक है, केवल ज्ञान के आधार पर वो जो गुरु है ना, जो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, जो ब्राह्मण से भी ऊंचे इन द सेंस जो ब्रह्मर्षि है, उनको वो निषाद से ये बोल के मिलाते हैं कि ये मेरा मित्र भी है और ये वो है जिसने मेरे साथ क्राइसिस में बहुत साथ दिया। और वशिष्ठ उठ करके उसको गले लगाते हैं और वशिष्ठ उसको बाजू में बिठाते हैं, ये राम इंश्योर करते हैं कि वो बाजू में बैठे। इससे बड़ी सोशल सोच क्या हो सकती है। अब राम ने ये सब किया, अब मैं उसको सोशल इंजीनियरिंग कहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन राम ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, वो तो कोई थ्योरी नहीं थी, वो तो उनका सहज स्वभाव था, उनके संस्कार थे, द वे ही वॉज बिल्ट, जिस प्रकार से वो बड़े हुए, जिस प्रकार से उनको संस्कार मिले, वशिष्ठ से मिले, विश्वामित्र से मिले, माओं से मिले, तीनों से, तीनों माओं ने उनको अनन्य प्रेम किया,
भाइयों से मिले जिन्होंने हमें प्रणन प्रेम किया। तो ये जो संस्कार है, ये अल्टीमेटली जो टीचिंग्स है, जो ट्रेनिंग है, वो रिफ्लेक्ट होती है व्यक्ति के व्यवहार में, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और वहां से जब वो कहते हैं कि अच्छा, मजे की बात यह है, राम चिंतित भी बहुत होते हैं। वो कहते हैं यार अभी दशरथ तो नहीं है, तो चले गए, अब वो हाउस चलेगा कैसे? और जो मैं कॉमनली एक्सेप्टेबल था पात्र, वो मैं अब यहां हूं, मेरे जाने की संभावना क्षीण है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे मैनेजमेंट की लीडरशिप अगर मान लीजिए शिफ्ट होती है, तो जो सीनियर होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है देखने की, उसकी चिंता क्या होती है कि जो मेरे जो थिंक टैंक है, जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनके भरोसे ये सारा हाउस चलता है, वो किसी तरह से वैसा ही चले जैसा कि वैल्यू सिस्टम हमने बना रखे हैं। अब वो कब पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या जिसको पावर हम पास ऑन कर रहे हैं, वो व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी सीनियर्स के साथ भी वैसी हो जाए जैसी साधारणता सहज रूप से होनी चाहिए, ये भी उतना ही सम्मान करें और वो भी उसको उसी उदारता से एक्सेप्ट कर लें, तभी जाकर के चाहे कॉर्पोरेट हाउस हो, चाहे हमारी दुकान ही क्यों ना हो, चाहे हमारी फैमिली क्यों ना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो सिस्टम उसके बिना नहीं चलती। अदरवाइज जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो ग्रुप 23 और ऐसे कई चीजें बनती है और कई बिगाड़ भी होते हैं और जीवन में कई नुकसान भी जो होता है, जिसको छोटे आदमी की छोटी गलती, बड़े आदमी की बड़ी गलती, राष्ट्र भुगतता, कॉर्पोरेट हाउस भी भुगतता है, तो कभी पार्टी भुगतती है तो कभी राष्ट्र भुगतता है। तो राम जब देखते हैं वशिष्ठ का और उनका दोनों का तालमेल भरत का बहुत अच्छा बैठा है, तो राम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। उसी ने इसकी चौपाई लिखी है कि वो देख करके राम को संतुष्टि होती कि नहीं यार, चिंता की कोई बात नहीं, ये इट विल गो अलोंग, मैं नहीं भी हूं ना, ये सिस्टम चलेगा, मेरे को चिंता की कोई बात नहीं है, यहां मेरे को किसी प्रकार का शंका या क्षोभ या किसी प्रकार का मानसिक तनाव रखने की आवश्यकता ही नहीं। अब इसके बाद जब वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा तो फिक्स हो गया, मैं तो आगे जाऊंगा, तो कहते हैं कि नहीं। अब देखो, एक लीडर बना बाय वर्च्यू ऑफ कोइंसिडेंस, सर्कमस्टेंशियली, तो वो लीडर क्या सोचता है कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी जब आएगी, जैसी भी आएगी, लेकिन यदि मुझे इस हाउस को इंटैक्ट रखना है तो क्या करना होगा, मुझे उसका प्रतिनिधि बन के राज करना होगा। यदि मैं निधिपति बन के बैठ गया तो डिस्ट्रॉशन पॉसिबल है, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको नहीं आना है ना, तो आपकी चरण पादुका पूजा देना। व्हाट इज दैट, वो क्या है बेसिकली, इट इज अ सिंबल ऑफ कमिटमेंट टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस या किंगडम या कॉर्पोरेट हाउस या ग्रुप ऑफ पीपल, कि नहीं, जो वैल्यू सिस्टम भाई आपने इंबाइब किए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इंबाइब किए, वो आपने भी इंबाइब किए, और जो आपने इंबाइब किए उसी को मैं वैसा ही जस का तस चलाऊंगा, दिस इज माई कमिटमेंट। इससे क्या होता है कि जनमानस का जो विद्रोह का स्वर है वो भी खत्म हो जाता है, एक कमिटमेंट चली गई ऑनर करने वाली। ये सारी चीजें जो हमको करनी पड़ती है और हम देखते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, ये हमको रामायण में देखने को मिलती है। अब यहां से जो है शुरुआत होती है, वो आगे बढ़ते हैं राम, और आगे बढ़ करके धीरे धीरे मान लीजिए वो शबरी के पास पहुंच गए, सीतारण हो गया, शबरी के पास पहुंच गए, और शबरी फिर उनको आगे का, अब केवट वाला भी प्रसंग आता है बीच में। अब आज देखो, मोस्ट ऑफ दी वर्क जो है, मैंने पैसे से सारे काम नहीं हो सकते, मनी केवट बाय एवरीथिंग, ये केवट अच्छी तरह समझा देता हूं, ना मनी ना प्रेशर। लक्ष्मण उसको धमकाने की कोशिश कर, कैसे कैसे नहीं ले जाएगा तू, तेरे को तो ले जाना पड़ेगा, काय का पैर धोना है, काय का नाटक बाजी है, मेरे को नहीं चाहिए, हमको तो जाना है बस। राम समझाते, रुक जा भाई, ऐसा मत कर, ये कुछ देने का भी प्रयास कर दे, कोई आभूषण देने का प्रयास कर दे, वो रिफ्यूज कर देता, वो कहता नहीं। यानी आज भी कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे इकोसिस्टम में कई बार ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं,
सिर्फ रिलेशन पर, सिर्फ व्यवहार पर, और खासकर जिस समय व्यक्ति क्राइसिस में हो उस समय यदि उसका व्यवहार उसके संस्कारों के, उसके वैल्यू सिस्टम के अनुरूप हो तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है और उसकी उसकी जो उसके जो मार्ग हैं उसके कंटक भी दूर होते हैं। बड़ी आसानी से केवट ने हमको ये समझा दिया कि भाई मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसे से आप खरीद नहीं सकते सब कुछ। कहीं तो ऐसा है जो पैसे के बियॉन्ड है, कहीं तो ऐसा है जो भावों से ड्रिवन है, जो इमोशन से ड्रिवन है, कहीं तो कोई रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप हमारे ऐसे काम कर जाती है जो संभव ही नहीं है कि हम पैसे के भरोसे कर लें। शबरी वाला प्रसंग भी बड़ा कमाल का है। भगवान शबरी के पास जाते हैं इन द सेंस कि अब भगवान चाह रहे हैं कि रास्ते में जो कुछ मेरे को मिलता है वो सारा का सारा मैं समझते चलूं, देखते चलूं, पूरे सिस्टम को समझूं। और ये यहाँ पर केवल ऋषि मुनि नहीं रहते, क्योंकि वहां पर उनको एक जो ऋषि रहते उनका बेटा जो अपना उनका जो डिसाइपल होता है वो दिखाता है कि ऋषि की हड्डियां देखो, एक ढीक लगा हुआ है राम, ये जंगल तो ऐसा है कि बड़ा गुड़ है, यहाँ पर तो राक्षस भी तमाशा करते हैं और आए दिन जो है हत्या कर देते हैं जो राइट है उसकी, तो राइट वर्चू की हत्या हमारे यहाँ अभी भी होती है और बड़े बड़े ढंग से होती है। अब वो राइट वर्चूज को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके लिए हमको फाइट आउट भी करना होता है और स्ट्रेटेजिक फाइट आउट करना होता है और चीजों को बड़ी गहराई से समझना होता है। उसी चक्कर में राम पहुंच जाते शबरी के पास। कोई कहता कि भाई यहाँ पर मतंग मुनि का आश्रम है, वहां पर एक रहती है विलनी, आप उससे मिलो, वो आपको रास्ता बताएगी आगे आपको कैसे जाना है। आप शिवाजी को याद करो, शिवाजी का इतिहास तो जीवंत है, हमारे में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर हिस्ट्री, वी हैव सीन रादर, हमको तो ऑडियो विजुअल दिखाया भी गया है शिवाजी की हिस्ट्री को। यदि अपन देखे तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है ना, शिवाजी शायद वो जानते थे कि बहुत बड़ी मशीन भी जो है ना वो 5 रुपए के नट से जो है रुक सकती है, चाहे वो करोड़ों रुपए की क्यों ना हो। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एवरी कंपोनेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट और आपको जस्टिस भी करना पड़ता है उसके साथ। शबरी के पास जाकर के जब शबरी की अवस्था देखते हैं राम, तो उसको समझाते हैं पूरी नवदा भक्ति। अब देखो किसी को प्रेस भी करना है, मान लीजिए हमको हमारे कॉर्पोरेट हाउस में, तो कैसे प्रेस करना है उसको? डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो कई बार वो अपना फ्लैटर हो जाता है, सातवें आसमान में चले जाता है। राम शबरी को समझाना चाहते हैं कि शबरी आपने जो किया है ना वो संभव नहीं है हर एक के लिए, आपने कमाल किया है, आपने इस अवस्था में इस वातावरण में यहाँ बैठ करके मेरा इंतजार किया केवल इसलिए कि ये अन्याय जो है इसके विरुद्ध कोई आएगा लड़ेगा, और जो रास्ता तुम मुझे दिखा रही हो तो तुमने ये 9 प्रकार की भक्ति की है शब्द। अब भक्ति शब्द को मैंने सोचा कि उसका विश्लेषण किया जाए, तो मैंने मेरे थीसिस में शुरू में कुछ शब्द की व्याख्या अपने ढंग से करने की कोशिश की। तो भक्ति क्या है अगर एक ही वाक्य में आपसे कहूं तो, भक्ति जो भक्त होता है उसका बिलीफ है, भक्ति उसका ये बिलीफ है कि ये मेरा क्राइसिस हट जाएगा आज नहीं कल, और जो ईश्वर है वो आके इसको हटा देगा, इसलिए मेरे को चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्राइसिस जब हमारे ऊपर आती है, ऑड हमारा समय जब चलता है, सारा नेगेटिविटी का माहौल होता है, वहां पर भी यदि मैं सोचूं कि हाँ मेरे निकलने का रास्ता है और मैं यहां से निकलूंगा ही, दैट इज भक्ति, दैट इज कमिटमेंट, दैट इज कमिटमेंट टू द कॉज, दैट इज कमिटमेंट टू द इकोसिस्टम, दैट इज कमिटमेंट टू द वैल्यूज वर्चूज फॉर विच यू आर लिविंग। और जो दिशा देने वाला है उसके कंट्रीब्यूशन का मूल्यांकन संभव नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, आपको केवल उसका बनना होता है। आखिरी में राम उसको कहते कि ये जो नवदा भक्ति है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, ये माँ आपकी है, आपने की है, और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं आपके सामने आज बैठा हूं और आपके साथ बैठने का मुझे अवसर मिला, आपके साथ कुछ ग्रहण करने का मुझे अवसर मिला, वो झूठा क्या है?
और दैट इज द एंटायर सिस्टम जो उसके अंदर में काम करता था, जब वो पूरा निकाल के सामने रख देती है और गाइड करती है कि एक काम करो, यहां से आप निकलो और पंपा सरोवर और जो वहां जो एक पर्वत है सुग्रीव वाला, आई डोंट रिमेम्बर दैट, वहां आप जाओ, वहां आपकी मैत्री होगी और वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अन्याय के शिकार हैं, वो संभवतः आपका साथ देंगे। और वहां जाके फिर प्रसंग आता है कि दो संस्थानों को मिलाने वाला, दो कॉर्पोरेट हाउस को मिलाने वाला जो बंदा होता है वो कैसा होता है, तो दो किंग को मिलाता है हनुमान जी, दो राजाओं को मिलाता है, सुग्रीव भी राजा है अपने विजडम का राजा है, ये अपने विजडम के राजा है, दोनों को मिलाता है उसके अन्याय को। अब वो बालीवध की कंट्रोवर्सी में मैं पढ़ा भी नहीं, और यानी मैंने, क्योंकि क्या होता है कि कंट्रोवर्सी में आप उलझें तो आप विषय वस्तु से भटक जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी विवादों को ज़्यादा तूल दे तो वो नेचर ऐसा होता है कि आपका बदन बड़ा खूबसूरत है और एक छोटा सा घाव है, और मक्खी क्या करती है, सारे बदन को छोड़ करके उस घाव पे जाके बैठती है। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये मेंटालिटी हमको जीवन में बहुत बड़ी सहजता सरलता सुगमता का बाधक है। इसलिए हालांकि उसके जवाब भी हैं, उसके जवाब रामायण में ही उपलब्ध हैं, कि वो कहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा अधिकार मेरा धर्म है कि यदि तेरे साथ अन्याय हुआ, जिसको तुम्हें अपनी पुत्री मानना चाहिए था उसको तुम्हें अपनी पत्नी बना के या अपनी कीप बना के रख लिया, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो समाज के सिस्टम को तुमने बिगाड़ दिया, इसके लिए तुझे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। किस अधिकार से पनिशमेंट? तो बोले ये अधिकार से पनिशमेंट। अब राम का देखो वहां पॉलिटिकल थिंकिंग भी कितना स्ट्रांग है कि वो उसको मारने के बाद ये जस्टिफिकेशन देके उसको भी डाइजेस्ट करा देते जिसकी हत्या हुई है, और सुग्रीव को भी वो कंट्रोल में रख लेते क्योंकि युवराज वो अंगद को बना था जो कि बाली का पुत्र है। ये जो समन्वय है, ये जो सामंजस्य बिठाना है, रामायण पूरा समन्वय और सामंजस्य से भरा हुआ है। दो विचारधारा, दो जीवन मूल्य, दो चिंतन, दो सोच, उसको कैसे ब्लेंड करना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। अब खोज के लिए जब निकलते हैं तो अंगद को लीडर बनाते हैं। आज हमारे यहां भी होता है यूथ एम्पावरमेंट, लेकिन जब यंगस्टर को लीडर बनाते हैं तो साथ में क्या करते हैं, दो एक्सपीरियंस बंदों को भी दे देते हैं। तो एक जामवंत को दे दिया, हनुमान को दे दिया कि आप जाओ इनके साथ। अब जाते समय वो क्या करते हैं, उसको अपनी मुद्रिका निकाल के देते हैं। बेसिकली आज की डेट में हम ऑथराइजेशन लेटर देते हैं ना, यहाँ से कोई आदमी दूसरी जगह दूसरी कंपनी में जाता है तो वी इशू ए अथॉरिटी लेटर, वी इशू ए डिक्लेरेशन कि सो एंड सो पर्सन हैविंग आधार नंबर सो एंड सो, पैन कार्ड नंबर सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, क्या हैविंग सिग्नेचर एज बिलो, वी हियर बाय ऑथेंटिकेट कि ये आकर के आप हमारे संवाद आपके साथ कर सकता है, ही कैन एंटर इनटू डायलॉग, ये हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो मुहर है, वो जो मुद्रिका देते हैं टू एंश्योर सीता कि ये जो बंदा आया है ये अपना आदमी है, इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां से आते समय भी वो चूड़ामणि लेके आते हैं, यानी टास्क अकम्प्लिश्ड, यानी वहां का भी लेटर लेके आते हो कि भाई ये आया था बंदा, मिला इसको, इससे समाचार मैंने कम्युनिकेट किए, ये विषय है और जो इस काम के लिए आया था ये काम पूरी तरह से फुलफिल हो। वहां से चूड़ामणि ला करके वो भी सौंपते हैं। तो अब पहुंच गए समुद्र के साथ, लड़ाई करते हैं, गुस्सा आ जाता राम को भी, यार तेरे को 15 दिन से समझा रहा हूं सुनता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं देता, तीर निकाल लेते हैं, सुखा दूंगा मैं तेरे को। तत्क्षण जो है समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, खड़ा हो कहता है महाराज ये शोभा नहीं देता, देखो जो एक कॉमन मैन है वो कई बार कहता है और आप सुनते हैं तो वो सुना हुआ किस प्रकार का की फलश्रुति लाता है, किस प्रकार के रिजल्ट्स लाता है वो देखने को मिलता है। क्यों कहता महाराज आपको शोभा देगा के? कि आपने तीर से मुझे सुखा दिया और आप चले गए,
ये तो गलत है, यू डिस्ट्रॉइंग मी। आपके पास तो है ना साधन, नल नील दो है आपके पास, इंजीनियर्स हैं, वो तो आसानी से बना देंगे पुलिया इसके ऊपर, आप उनको अपॉर्चुनिटी दो। यानी कोई एक आदमी आपको ये भी बता देता है, इवन टुडे किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में, किसी फ्लाइट में आपको समझा देता है कि भैया ये डायरेक्शन आपकी रॉन्ग है, बातचीत में ऐसे मत करो, ऐसे करो, इफ यू आर ओपन टू लिसन, तो आपके पास में वो परिस्थितियों को रिवर्स करने की ताकत होती है, बशर्त है कि यू आर ओपन टू लिसन। यू आर नॉट फिक्स्ड पर्सन, नॉट स्टैटिक पर्सन, यू आर डायनेमिक पर्सन, कि बात सुनते हैं, सुन के समझते हैं, समझ करके रिएक्ट करते हैं, आई मीन रिस्पॉन्ड देते हैं, नॉट रिएक्ट। तो ये जो भावना है, ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे आईएम वगैरह में ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हाउ टू लिसन, डाइजेस्ट एंड देन रिस्पॉन्ड। तो वो बाकायदा उसको कहते हैं कि देख भाई ऐसा नहीं है, तू नल नील से बनवा ले यार, तेरा भी नाम रहेगा, हमारा भी नाम रहेगा, हम तो हमारा भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हमारे जीव जंतु सारे के सारे। अब वो करके वो पहुंच जाते हैं उस पार तो पहुंच जाते, लेकिन वहां का जो वैभव देखते हैं बंदर और बाकी के लोग, ये वानर बोले तो वनर, ऐसा संधि विच्छेदन मैंने किया, आई डोंट नो उसको किस तरह से लिया जाए, क्योंकि इनकी अंजनी जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। आप अगर हनुमान जी कथा देखें तो जामवंत की पुत्री जामवंती है जिसका कृष्ण से विवाह होता है, तो बेसिकली ये तो एक तरह से प्रजातियां हैं। आज देखो हम्पी के पास में कोई एक लड़का है जो बिना किसी सहारे के किले पे चढ़ जाता है ऐसे पत्थरों को पकड़ के, यूट्यूब पे दिखता है, तो हो सकता है उस समय के ह्यूमन बीइंग्स के पास में ऐसी विलक्षणता होगी जो बड़ी आसानी से कई ऐसे काम कर लेते होंगे जो आज के मानव को सोचना दिमाग के बाहर है। तो ये जितना सारा प्रपंच है, ये सारा जो समझाया जाता है वो इस तरह समझाया जाता है कि भैया एक यंग है, इसको इसकी लीडरशिप में जाओ तो ये ट्रेड होगा, और ये जो एक्सपीरियंस लोग है ये भैया इनको समझाओ, जिसके आधार पे ये यूथ जो है, जो इमोशन ड्रिवन रहता है यूथ, ये एकदम बिखर न जाए। अब कितना समय है मेरे पास, आई मीन 10 मिनट दीजिए बस, और कंक्लूड इन 10 मिनट्स, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। अब आप देखें कि हनुमान जी की शक्ति को जगा देते हैं अपने जामवंत जी कि भैया ये तेरे लिए तो ये टास्क बड़ा सिंपल है, यू कैन वेरी वेल गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार हम लोग जो है हमारे सबॉर्डिनेट्स को या हमारे साथ में जो काम करते हैं उनको उनकी क्षमताएं और उनका बल जो है डिफाइन कर देते हैं कि भैया देख ये तो पॉसिबल है, ये तो कर सकता है, और ये तो किया है भाई तूने, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो दैट इज हाउ हनुमान जी भी तैयार होते हैं। अब सुरसा वाला एक प्रसंग आता है कि सुरसा जो है, अब वो प्रसंग हमको सिखाता है कि हर बार ताकत से काम नहीं होता मेरे भाई। वो कहते हैं जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, हनुमान ने भी अपना आकृति उससे दुगनी कर दी, और करते करते लास्ट में क्या छोटे से बने, अंदर घुसे और बाहर आ गए। तो कई बार जो है ना वो पावर काम नहीं करता, कई बार शक्ति काम नहीं करती, युक्ति काम करती है। तो ये युक्ति बड़ी आसानी से हमको जो है सुरसा वाले एपिसोड में हमको आसानी समझ में आती। मैनाक मिलता आगे, वो कहता रूजा भाई वो हनुमान जी की ननिहाल से है, मैनाक जो है वो कहता भाई इतनी दूर जा रहा है, बहुत लंबा सफर है, रूजा एक मिनट के लिए। वो कहते हैं रामकाज की मैं तुम मोहि का मिश्रा। जब टास्क को ही आपको दिया जाता है और यदि आप रुक गए तो क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, कॉस्ट करेगा, प्रोजेक्ट कई बार बंद हो जाते हैं सिर्फ डिले की वजह से, वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, कॉस्ट बढ़ जाती है, समस्याएं बहुत अलग अलग प्रकार की आ जाती है, आपके एंटिसिपेशन के बियॉन्ड चले जाता है मैटर। आपने सोचा था कि इसको मैं 6 महीने में खत्म करूंगा और 6 महीने में आपने खत्म नहीं किया, और अचानक युद्ध हो गया जैसा कि अभी हुआ, चालू है राधर, और स्टील और सीमेंट और दुनिया भर के प्राइसेस बढ़ गए, आपका प्रोजेक्ट तो ठप हो गया या मल्टीप्लाई हो गया, आपकी रीच के बाहर चला गया। तो टाइम बाउंड जो समयानुशासन है, जो कमिटमेंट टू वर्क है, जो कमिटमेंट टू दी कॉज है, यदि उसमें आपने थोड़ी सी ढील की, थोड़ी सी हील अवाल की, कि वहां आपका नुकसान होने की संभावना बहुत बड़ी है। शायद वहां रुक जाते यदि हनुमान जी तो वापस उनको जो जिस प्रेशर से वापस से उठना होता है, मैनाक पानी में चला जाता, हो सकता है वो रहता ही नहीं वहां।
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि हम उसी में देखें, उन्हीं प्रसंगों में देखें, तो हमें देखने को मिलती है। अब यदि आगे हम चले, थोड़ा सा आगे और चले, तो हमने पहले भी कहा था कि राम जो है वो केवल शब्द नहीं है, उसके भीतर जाना होता है। और उसके साथ भीतर जाने का मतलब यह है कि अपने आप को छोड़ना होता है। आप किसी के भीतर कब जा सकते हो? जब आप अपनी आइडेंटिटी को टोटली खत्म करें, तब आप वहां जा सकते हैं, तब आप जाके कुछ पा सकते हैं। अदरवाइज तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कुछ पा लें, संभव ही नहीं है। अब हमारे यहां जाप की पद्धति है, पाठ की पद्धति। हमारे यहां पाठ होता है, जाप होता है, हम निरंतर एक ही एक चीज को 50 बार बोलते हैं, बोलते रहते हैं। क्यों? उसके पीछे बड़ा गहरा साइंस है। 32 बार चबाते हैं ना, कहते हैं भोजन जो है पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, ऐसा पुराने लोग कहते थे। मैं भोजन चबा के इतना पतला कर दूं कि उसको आप पी सको, और पानी को आप चबा चबा करके धीरे धीरे पियो, सो दैट योर इंटेस्टाइन डजंट गेट प्रेशराइज्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि ग्रेविटी भी सीधी नीचे लेके जाती है पानी को। अब इसको आप यहां ले लें, हमारे जाप और पाठ में शब्द को जब आप चबाते हैं, चूसते हैं, तो उसके मर्म तक पहुंच सकते हैं। जब एक शब्द को एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार हनुमान चालीसा ब्ला 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 पढ़ी, नहाए धोए, फट से कपड़े पहने निकल गए, एक दिन तो ध्यान में आता है यार कुछ तो है, देयर इज समथिंग। बस नामदेव महाराज उसी को कहते हैं कि भैया आज मुंह में है, कल दिल में आ जाएगा, मुंह में जरूर रख। ये पद्धत है हमारी टीचिंग की, हमारी लर्निंग की ये पद्धत है। दिस इज हाउ वी एंटर इन टू सब्जेक्ट, दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, दिस इज हाउ वी असिमिलेट, वी एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट, और वो तत्व को हम हमारे भीतर लेते हैं। ये हमारा सिस्टम है। अब दो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कैरेक्टर है हमारे यहाँ हनुमान जी, बड़े कमाल के कैरेक्टर हैं। वो जिस प्रकार से उनका विश्लेषण और विवरण हमको मिलता है, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से हनुमान चालीसा लिखी, या सुंदरकांड में जो श्लोक भी है, क्या वानराम अधीशम रघुपति प्रियम वात जातम नमामी, जो श्लोक है हनुमान जी के ऊपर जो लिखा गया है, उस श्लोक को और हनुमान जी को यदि वाकई आप कोरिलेट करते हैं, तो आपके समझ में आता है कि हनुमान जी क्या चीज़ है। अब उसको यहाँ देखिए कैसी स्थिति बनती है ना। हनुमान को स्पेशली बिठाते हैं भगवान को मुद्रिका देने के पहले, सब रवाना हो जाते हैं, उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं, एक मिनट इधर ये ले जा, ये ऑथेंटिकेशन है तेरा, और मुझे मालूम है कि तू जा सकता है, यानी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी कैपेसिटीज को भी पूरी तरह से असेस करना, और टास्क देने के पहले ये मालूम होना कि यस ही कैन परफॉर्म, ये लीडर की क्वालिटी होती है। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि वो निकले और जंगल में घूमते हैं और उसी जगह पर फिर आके बैठ जाते हैं। ऐसा भटकंती हो जाती है कि एक घंटा घूमे, आधा घंटा घूमे, एक दिन घूमे, दूसरे दिन घूमे, घूमे ही जा रहे हैं, घूम फिर के एक जगह आ जाते हैं। बंदर का स्वभाव है, जो कुछ मिला खा लिया, जितना पानी पीना है पी लिया, अब अधमरे हो गए, अब खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, जीवन समाप्त होने की स्थिति आ गई। ऐसे में क्या होगा? यानी वो चक्रगिन्नी सरी के घूम रहे थे। हनुमान जी क्या करते हैं? एक थोड़ा सा ऊंचा टीला होता है, वहां जाकर के बैठते हैं, और बैठ करके नजर दौड़ाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि सामने से कोई एक गुफा है, एक गुह है, जहां से पक्षी आ रहे जा रहे हैं। तो वो असेस करते हैं, यदि पंछी अंदर जा रहा है, पंछी अंदर आ रहा है, ये ट्रेल लगी हुई है जाने आने की, इसका मतलब अंदर पानी भी है और खाना भी है, ये तो पंछी क्यों जाएगा अंदर। अब वो नीचे आते हैं, इनको कहते हैं चलो भाई, ये कहते हैं मरना मंजूर है, अब ताकत ही नहीं है, कैसे जाएंगे, खत्म, वी आर फिनिश्ड, ऐसे नहीं मिलेगी सीता तो सूर्य मार डालेगा, और ऊपर चढ़ेंगे तो वैसे मर जाएंगे। तो गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है? सदगुरु एक चेन बनाता है, चेन बनाकर आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेट करके आपको इंस्पायर करता है, और आपके सामने उदाहरण रखता है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक काम करो यार, तुम मेरा हाथ पकड़ो, दूसरा व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़े, ऐसा करके हम चेन बना लेते हैं और चलते हैं ऊपर, वो सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं। गुफा में जाते हैं तो वो एक स्वयं प्रभा एक ऋषि हैं, स्त्री हैं,
ऋषि पत्नी है, उनकी गुफा है वो, उनके चिंतन की का स्थान है वो यहाँ वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके स्वयं प्रभा जी कहती है कि आप खा पी लो, स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ होकर के बैठ जाओ, और बैठ करके शांति से जो है आंख बंद करके चिंतन करो और कुछ समय बाद आंख खोल लेना। तो जब वो बैठते हैं, शांत बैठते हैं शांति से, तब पेट भी भर गया, प्यास भी मिट गई, अब आंख खोलते हैं तो समुद्र के किनारे पाते हैं। अब देखो प्रॉब्लम के साथ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप उसके अंदर अटक जाते हैं, फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर उसी प्रॉब्लम में घुसते चले जाते हैं। समझ में नहीं आता इसको भेद के बाहर कैसे निकले, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। तो रास्ता कहां से मिलता है? रास्ता वहां से मिलता है जब यू बी नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, आपको उस समस्या का हिस्सा बने हुए हो ना आप, अब उससे बाहर निकल जाओ। अब आप बाहर से प्रॉब्लम को देखो, थोड़ा अपने आप को एलिवेट करो और ऐसा खड़े हो जाओ, सूक्ष्म शरीर को लेकर बाहर आ जाओ और सूक्ष्म शरीर से उस समस्या का अवलोकन करो, तो मालूम पड़ता है कि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब मैं थक चुका हूँ, थक के चूर हूँ, रास्ता है नहीं, तो सोचता हूँ यार भगा यार लेके भी क्या करूंगा, लेकिन उसी समय क्या होता है, देयर इज वन इंस्पिरेशन विद इन, वो कहती है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम के बाहर निकल गए ना तो अचीवमेंट बहुत बड़ा है। अब वो स्वयं प्रभा शब्द का अगर मान लो हम शाब्दिक अर्थ ही ले लें, उसके तात्विक अर्थ पे ना जाए, तो स्वयं प्रभा का मतलब क्या हुआ, हमारे भीतर की प्रभा, प्रभा का मतलब क्या हुआ, ऑरा, ऑरा विद इन मी, वो कब काम करेगा, जब मैं आंख बंद करके खुद के बारे में सोचूंगा, खुद के लिए सोचूंगा, खुद का बन के सोचूंगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि आप रास्ता निकाल दें। तो ये जो टीचिंग्स है, ये हमको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बोलिए, जीवन प्रबंधन के प्रिंसिपल बोलिए, क्योंकि मेरे लिए मैनेजमेंट कोई प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट नहीं है। मैं किसी मॉडर्न किसी भी जो मॉडर्न मैनेजमेंट के गुरुज हैं, मैं मेरे उनसे इत्तफाक रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको पढ़ूँ, और पढ़ता भी बहुत हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं अपनी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो छोटा सा एक हिस्सा है, एक टिप है, पूरा शिलाखंड जो है जिसको हम कहते हैं बर्फ का जो खंड है वो तो नीचे है, इट्स अ प्रॉब्लम टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो टिप है केवल, वो तो नीचे है, और वो नीचे हमारे वेदों में और पुराणों में वो सब कुछ उपलब्ध है। अब दृष्टि की बात हम करते हैं, दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, तो हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि दृष्टि क्या होती है, दृष्टिकोण क्या होता है, हम चीजों को कैसे देखते हैं। कौशल्या ने राम में पुत्र देखा, माँ और पुत्र का संबंध बन गया, दशरथ उसके मोह में पड़ गए तो मोह में वियोग में मर भी गए, लक्ष्मण ने भाई देखा उनको भाई मिल गया, सीता ने पत्नी देखी उनको पत्नी मिल गई, सुग्रीव ने उनमें मित्र देखा मित्र मिल गया, रावण ने देखा शत्रु तो शत्रु मिल गया, एकमात्र जो बंदर है हनुमान जी महाराज, उन्होंने उसमें भगवान देखा, उन्होंने देखा कि ये अलौकिकता लिए हुए है, ये जो भी मनुष्य है ये अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है, ये समथिंग बियॉन्ड है, वो समथिंग बियॉन्ड को लाइक करने लग गया, उससे प्यार करने लग गया, खुद ही भगवान हो गया। तो आदमी जैसा देखता है जीवन में, जैसी दृष्टि रखता है वैसा वो बनता है। ये हमारे मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है कि आप अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, अच्छा अच्छे विचारों का आदान प्रदान करो। व्हाई? बिकॉज उसका इंपैक्ट आपके मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और आप वैसे बनते हो जैसा आप बनना चाहते हो। अब भगवान भी बना तो किस श्रेणी का भगवान बन गया? देखो आप, हम तो भाव वाले लोग हैं, भावों में जिंदगी जीते हैं, ह्यूमन बीइंग इज इमोशन ड्रिवन, अंतकरण तो मनुष्यों के पास जैसा है वैसा जानवर के पास भी है। इसीलिए वो जो हाथी था पृथ्वीराज चौहान अपने राणा प्रताप का, जब उसको ले गया अकबर तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे ही प्राण त्याग दिए उसने, बिना अंतकरण के संभव ही नहीं, बिना दृष्टि के संभव ही नहीं। वो चेतक जो कूद गया घायल अवस्था में भी पूरा का पूरा नाला और उस पार ले जाके दम तोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो स्पर्श हमको मिलता है, जो सोच हमको मिलती है, जो विचार हमको मिलते हैं, जो चिंतन हमको मिलता है, जो उदाहरण हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको जैसे देखते हैं
हम वैसे बनते हैं और वैसे बन ही जाते हैं अपने जीवन में। एक साधारण आदमी से, छोटे से आदमी से कॉर्पोरेट लीडर बनने की हमारे पास 500 कहानियां उपलब्ध है। यदि हम देखें तो जो एप्पल का जो सीईओ है जिनका डेथ हुआ, वो क्या थे? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। दूर क्यों जाते हो? रामदेव बाबा हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, न पढ़ाई न लिखाई न कुछ देना न देना, अपना जो काम था उसका चैंपियन, एकदम चैंपियन और सेल्फलेस कि मेरे को ये देना है, दिया तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। यू बिकम व्हाट यू थिंक, ये उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब यदि हम रामायण को यदि हम देखें, रामचरितमानस को देखें, तो इसमें ट्रेनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, ग्रुप डिस्कशन भी है और ब्रेन गेम्स भी है, क्रेडिट टू अदर्स भी है। अब राम को देखो आप, सारी क्रेडिट वो अयोध्या पहुंचकर भी भरत को समझाते हैं, कहानी सुनाते हैं, देख भैया इसकी वजह से मैं जिंदा हूं। भरत तू ये मत समझना कि तेरे भाई ने पराक्रम किया, ये जो थे ना ये इनकी वजह से मेरा पराक्रम संभव हुआ। इसमें एक जरूर मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं जो कि इसमें विभीषण की जो शंका है। अब विभीषण क्या है, विभीषण को यदि हम विभीषण को समझने और देखने की कोशिश करें तो विभीषण क्या है? विभीषण हमारे भीतर की नैतिकता है जो मौका मिलते ही ऊपर आ जाती है। और वो नैतिकता यदि आपकी गलतियों से, आपकी सोच से, आपके अहंकार से और आपके प्रेजुडिसेस से, आपके आपके लॉक इन करने से बहुत ज्यादा यदि आपने उसको रोक के भी रखा है, मान लीजिए, और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और आज की दुनिया में प्रैक्टिकलिटी से ही जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं जाकर के वो संवेदना जो आपके अंदर पड़ी है वो डेफिनेटली काम करती है। और वो कब उछाल मारती है? जब सम विचारी, सम सोच का, सम संवेदना का व्यक्ति आपको मिलता है, जैसे हनुमान जी महाराज उसको मिलते हैं और साहस आ जाती और वो आ जाते यहाँ आकर के मिल जाते। और राम की कूटनीति देखिए आप, जब वो आते हैं तो राम उनको लंकेश कह के उनका बालू से तिलक कर देते तुरंत। इसका मतलब वो मैसेज है, इट्स अ क्लियर मैसेज कि विभीषण मेरा सारा झगड़ा जो है वो रावण के साथ है, लंका के साथ नहीं। यानी युद्ध के बाद लंका रहेगी और तुम उसके लंकेश बनो, यू विल बी द किंग, क्योंकि तुम्हारे पास सद्विचार है, नीति है, नियत है, सत्कर्म है और तुम बनोगे उसके लीडर। तो ये जो ये जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स की जो वैल्यू सिस्टम है ये हमको देखने को मिलती है। अब एक चीज से मैं जरूर समाप्त करूंगा, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि विभीषण डर जाते हैं, बताते हैं कि राम रावण के पास जो रथ है ना वो उसको कुबेर ने और सूरज ने और डिगड़े फलाने में दिया हुआ है, अब तुम पैदल हो बिगड़ चप्पल के, कैसे लड़ोगे यार इतने बड़े आदमी से। तो उस समय राम बखान करते हैं खुद के रथ का, वो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उस डिस्क्रिप्शन से ही मैं आज का जो है ये मेरा वक्तव्य है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। I think it's 8:20. It's almost more than 1.5 hours कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभी के कमिटमेंट है आज के हमारे। मैं एक चीज से कहता हूँ कि राम उसको कहते हैं कि देखो विभीषण ये धर्मरथ है, इसको समझो विभीषण, ये बना कैसे है। अब वो उसको भी समझाते हैं वो कैसे बना है, रावण का रथ कैसे बना है, ये विभीषण समझाते हैं। अब राम समझा रहे हैं विभीषण को कि ये धर्मरथ के कंपोनेंट्स क्या है। वो कहते हैं कि शौर्य और धैर्य जो है वो इसके चक्के हैं, विभीषण जो शूरता है और धीरता है वो दोनों पहिए हैं। वो कहते हैं सत्य और शील जो है वो इस रथ की ध्वजा है। वो कहते हैं ईश निष्ठा जो है, ईश निष्ठा यानी स्वयं की निष्ठा, जो अंदर मेरे ईश है उसके प्रति मेरी निष्ठा, उसके प्रति मेरी प्रामाणिकता, उसके साथ मेरा सामंजस्य, उसके साथ मेरे संवाद, उसके साथ मेरा तालमेल, उसके साथ मेरा समन्वय। वो कहते हैं वो जो ईश निष्ठा है वो इसका सारथी है और बल विवेक त्याग और परोपकार इसके घोड़े हैं, क्षमा दया और समता इसकी रास है, वो जो रास है ना जो इससे पकड़ते हैं घोड़ा वश में लाते हैं, और वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। कहते हैं कहीं ना कहीं जाकर के सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए, कितना काटोगे यार,
कहीं ना कहीं जाकर के जीवन में एक जगह तो तलवार रुके, कहीं तो जाकर के आप अपने आप से बात करो, अपने आप से संवाद स्थापित करो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता एक ही है, आपका आपके साथ। बाकी तो या नाम के हैं या नाम से हैं, ये मान के चलो आप। जो आपका आपके साथ रिश्ता है वही शाश्वत है, वही सत्य है, और वही आपको सब कुछ दे सकता है, आनंद दे सकता है। और दान फरसा जो है, फरसा है जो दान है वो फरसा है, और जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति है, और इसके जो यम नियम है वो बाण है, और ज्ञानी और गुरु, ज्ञान और गुरु जो है वो इसका अभेद्य कवच है। तो मान के चलो विभीषण ये धर्मरथ है, वो मटेरियलिस्टिक जो रथ है उसका कोई रोल नहीं है, किसी क्षण वो धूमिल हो जाएगा और रावण जो है वो धराशायी हो जाएगा। वो जो अमृत, वो जो अमरत्व, वो जो रावण के भीतर था, वो जो टैलेंट, वो जो क्षमता, इतनी बड़ी क्षमता कि वो आकर के इनका पुरोहित बन सके, वो विद्वान, वो संगीतज्ञ, वो ज्योतिषाचार्य, वो शक्तिशाली जो जिसके सिंहासन के नीचे उसने शनि को दबा दिया, उसने नीचे कुबेर को रख दिया और सबको मार पीट के जो है सत्ता ले आया अपनी, जो उठा करके हिमालय महादेव को भी लाने की क्षमता रखता हो, जो शीश काट के रख दे सामने, ऐसे रावण के पास ऐसे संसाधनों को भी पीट कर देता है, उसको भी युद्ध में हरा देता है। अब ये सारे संसाधन कौन है? रावण को अहंकार मान लो यार, आपका ही। ऐसे सारे एक एक कैरेक्टर को आप अपने साथ जोड़ो, सुग्रीव आपका सबसे अच्छा मित्र है, तो आपके अंदर का मैत्री भाव जो है सुग्रीव है, आपके अंदर की जो कर्मठता है वो कर्मठ भाव जो है वो हनुमान है। और ऐसे हमको यदि मेरे को इस प्रकार के, यदि मान लीजिए मेरे विरोधाभास में, कॉन्ट्रोवर्सीज में खुद को यदि बचाना है, तो ऐसा ही धर्मरथ हमारे लिए कारगर हो सकता है। प्रयास किया मैंने जरूर समेटने का, आपके सामने रखने का, बहुत समय भी दिया आपका, और बड़े अल्प में मैं आपके सामने रख सका। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि राम का एक क्वेश्चन है, जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है IQ, एम्पैथी क्वेश्चन होता है EQ, आजकल हर एक चीज का क्वेश्चन निकलता है, ऐसे राम का भी क्वेश्चन है। राम का क्वेश्चन है मर्यादा, राम का क्वेश्चन है करुणा, राम का क्वेश्चन है लीडरशिप, राम का क्वेश्चन है सबको साथ लेने की क्षमता रखना। अगर आप अपने परिवार में भी कोई लीडर को चुनो तो आप देखो उसमें राम का क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है तो बड़े को भी छोड़ दो, अगर है तो छोटे को भी अपना लो, क्योंकि राम का क्वेश्चन जिसके पास है, चाहे वो आपका वार्ड मेंबर हो, चाहे वो आपका सांसद हो, वो किसी भी धर्म जाति प्रजाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। हम ह्यूमन वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम में जिसमें सदव्यवहार है, सदाचार है, पॉलिटिशियन और लीडर में क्या फर्क है? एक वीडियो आ रहा था, बोले पॉलिटिशियन क्या, तो बोले ये चुनाव होता है, अगला चुनाव की तैयारी करता है, और लीडर क्या होता है? लीडर आपकी जनरेशन के बारे में सोचता है, लीडर पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोचता है, लीडर सबको साथ ले चलने की सोचता है, लीडर संसाधनों का यदि उपयोग करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ भी रहता है, उसको रिपे भी करता है, वो लीडर होता है। तो लीडरशिप के जो क्वेश्चन है, जो राम का क्वेश्चन है, वो राम के क्वेश्चन को हम अपने आप में भी बढ़ाएं, अपने आप को जो है लीडर बनाएं, क्योंकि यू आर सपोज टू लीड योर सेल्फ, सबसे बड़ी लीडरशिप है, उससे बड़ी कोई लीडरशिप नहीं है। टू लीड योर सेल्फ इज द बिगेस्ट लीडरशिप, और यदि आप वाकई में अपने आप को लीड कर सकते हैं, सही ढंग से लीड कर सकते हैं, राम को शंड के साथ लीड कर सकते हैं, तो निश्चित मानिए ये देश को विश्व गुरु क्या, ब्रह्मांड गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। देश क्या है? आप, मैं, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक समाज का घटक, ये सब मिलाकर के देश बनता है। यदि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन खुद में पैदा किए या सामने देखे, तो निश्चित रूप से हम एक उन्नत और बेहतर भविष्य देंगे, निश्चित रूप से एक उन्नत और बेहतर वातावरण देंगे हमारी आगे की पीढ़ी। आठ सौ साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेजों का, इस प्रकार का रिसर्च वर्क लगभग बंद हो गया था, और शायद वही एक कारण है कि यहाँ के पॉलिटिशियन ने दशरथ की तरह 3 पत्नियां कर ली, वो संकेत था या उसने उसको इसी तरह रामचरित मानस समझा। एक दूसरे पॉलिटिशियन ने सरगुण खां को अपना लिया, तो ऐसे जो बहुत सारे किस्से होते रहे, और बहुत सारे विदेशों में रिसर्च वर्क इस क्षेत्र में बंद था,
तो विप्र धर्म को पहचानते हुए डॉक्टर विजय शर्मा, ये पहला आपका एपिसोड है। इस प्रकार के बहुत सारे संस्कार लोगों ने अपनाए। रामचरित मानस में हर जो भी संबंध है, भाई के, अभी ये बाप ने निकाल दिया था बेटे को दशरथ ने, अभी यहाँ पर पॉलिटिक ये जो औद्योगिक घराने हैं उसमें बेटे ने बाप को निकाल दिया, और आपने एक परहेज रखा, न मायावती का नाम लिया न कांग्रेस का नाम लिया, पर सब कुछ बता दिया। तो उस परहेज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने इनको एक बांध दिया, इनके गले में घंटी, कि विप्र बंधु ये पहला एपिसोड है, अब इसके बाद बढ़ते जाए, आपका रिसर्च होते जाए, आपका धर्म, असल में पहले जो धर्म था विप्र बंधु का, वो सुबह उठना, पूजा पाठ करना, रिसर्च करना, ये सब था। उसके घर में शादी हो, उसके यहाँ कोई काम हो, तो वणिक और छत्री और बाकी लोग सब साधन जुटा देते थे। अभी इनको व्यापार भी करना पड़ता है, इनको उपचार भी करना पड़ता है, इनको और कुछ करना पड़ता है। तो भैया अपने असली धर्म पे आ जाओ, हमको अच्छे अच्छे रिसर्च करके आगे भी हमको बताओ, ताकि समाज सही रास्ते पे चल सके। आप सब लोगों ने अपने वर्ष की शुरुआत इतने उत्तम समय बिता कर की, आपको ये पूरा वर्ष समृद्धिशाली, सुखद और अच्छा रहे, ये प्रभु से हम कामना करते हैं। और आपने इस कार्यक्रम को रिजर्व सेवा समिति और चिट्ठी सेंटर को सफल बनाने में हमें योगदान दिया, इसलिए आपका सबका हृदय से आभार। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।